नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओ भी न्यूज़। तो अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बेटे बेटी के साथ ईडी के दफ्तर के लिए निकले राज ठाकरे। कोहिनूर इमारत मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हो गए हैं। राज के साथ उनके बेटे अमित और बेटी उर्वशी भी है। थोड़ी देर में राज ठाकरे से पूछताछ ईडी करेगी। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के साथ ही चार थाना क्षेत्रों में एहतियातन धारा 144 लगा दी थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं के राज ठाकरे के आवास पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मनसे नेता बालानंद गांवकर राज ठाकरे के आवास पर पहुंच गए हैं। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस दौरान संदीप देशपांडे ने दावा किया कि उन्हें कार्रवाई के बारे में सूचना नहीं दी गई थी। उधर राज ठाकरे को समन दिए जाने के बाद से क्षुब्ध होकर एक युवा कार्यकर्ता ने खुद को आग लगा ली। राज ठाकरे ने मंगलवार को ही सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत अपील की थी और कहा था कि वह हर कीमत पर शांत रहें। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय ईडी के भेजे गए समन का सम्मान करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों को शांत रहने की अपील भी की थी। इस मुद्दे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में राज ठाकरे ने सभी मनसे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हस्ताक्षरित बयान में कहा कि मार्च 2006 में पार्टी की स्थापना के बाद से उनके और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनगिनत मामले दर्ज किए गए हैं। नोटिस के बाद राज के चचेरे भाई और सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उनके समर्थन में उतर आए हैं। ईडी ने एक मामले की जांच के सिलसिले में राज ठाकरे को समन जारी करते हुए गुरुवार को पेश होने को कहा है। उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर मीडिया कर्मियों से यह बात करते हुए अपना परोक्ष समर्थन जाहिर किया कि ईडी की ओर से उनके यानी कि राज ठाकरे से पूछताछ में कुछ भी नहीं निकलेगा। उद्धव ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि ईडी की उनसे यानी कि राज ठाकरे कल की जाने वाले पूछताछ से कोई नतीजा निकलेगा। ईडी ने रविवार को ठाकरे और उनके पूर्व कारोबारी सहयोगी रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना नेता मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी के साथ ही एक अन्य कारोबारी सहयोगी को भी नोटिस जारी किया था। इसके बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। गौरतलब है कि ईडी ने ठाकरे को IL&FS से संबंधित एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को अपने कार्यालय में पेश होने को कहा है।